इधर आगर मालवा से बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि नकली घी पर खाद्य विभाग ने एक्शन लिया है। करीब 31 लाख रुपए का 7,000 लीटर नकली घी यहां पर जब्त किया गया है। नकली घी बनाने का सामान भी इस दौरान जब्त किया गया, वहीं गोदाम पर सील की कार्रवाई की गई है। एसडीएम पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों की ये संयुक्त कार्रवाई रही। आगर मालवा से बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं, नकली घी पर खाद्य विभाग की कार्रवाई की गई है। तो नकली घी का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। 31 लाख रुपए का 7,000 लीटर नकली घी पकड़ा गया है। त्योहारी सीजन में नकली घी को खपाने की नीयत से बड़ी मात्रा में यहां पर नकली घी स्टॉक किया गया था, लेकिन पुलिस, खाद्य विभाग और एसडीएम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 31 लाख रुपए का नकली घी पकड़ा है और फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां पर से नकली घी बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। बड़ी कार्रवाई आगर मालवा में की गई है और लगातार मिलावट पर एक्शन लिया जा रहा है। 7,000 लीटर नकली घी यहां से जब्त किया गया है, पकड़ा गया है। नकली घी बनाने का सामान भी जब्त करने के साथ गोदाम को सील कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। और जो यहाँ से घी जब्त हुआ है वो 31,50,000 के आसपास का मिला है। तो कारखाना सील कर रहे हैं और फिर जाँच रिपोर्ट के बाद जो है न्यायालय कार्रवाई प्रस्तावित करें।